क्रिकेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि युवराज सिंह के 6 छक्कों का रिकॉर्ड एक खिलाड़ी ने तोड़ दिया है तो शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और एक खिलाड़ी है जो कि भारतीय खिलाड़ी है, उसने ये कारनामा करके दिखाया है कि युवराज सिंह के 6 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उस खिलाड़ी के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हर रोज रिकॉर्ड बनते रहते हैं और हर दिन रिकॉर्ड टूटते भी रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी आता है और ऐसा रिकॉर्ड बना देता है जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप सभी को याद होगा, T20 वर्ल्ड कप 2007 जिसमें एक मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, वहां पर युवराज सिंह को गुस्सा दिलाया इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने, और उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी जो वहां पर हुई थी। और बता दें कि युवराज सिंह को एंड्रयू फ्लिंटॉफ के द्वारा गुस्सा दिलाने के बाद जो गेंदबाजी करने आए थे वो बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज थे। और स्टुअर्ट ब्रॉड के उस ओवर में युवराज सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर ये कारनामा किया था, और युवराज ने एक ओवर में 36 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। युवराज सिंह ने और भी ना जाने कितने कितने रिकॉर्ड अपनी जिंदगी में बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने युवराज सिंह के 6 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आपको बता दें कि उस खिलाड़ी का नाम है रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में तो नहीं, लेकिन एक मैच हुआ था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, अमरावली के गेंदबाज थे जिनका नाम था नीलम बेजमूला, उनके एक ओवर में रविंद्र जडेजा ने लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था युवराज सिंह का। वैसे हम इसको रिकॉर्ड तोड़ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि युवराज सिंह ने जो 6 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था वो एक इंटरनेशनल मैच था, लेकिन ये इंटरनेशनल मैच नहीं है। तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा के इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप क्रिकेट की खबरों को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द डेली न्यूज़।